फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति। तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के बारे में। अभी जो परीक्षा होने वाली है 2022 वाली, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक सैम्पल पेपर है कक्षा 10 का, अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का। तो ये जो सैम्पल पेपर है ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कैरी करता है। तो अगर आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको जो होने वाली परीक्षा है उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। तो चलिए देखते हैं ये इसका पैटर्न क्या है पेपर का। तो ये जो अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है ये 100 मार्क्स की है। इसमें पूर्णांक जो है, मार्क्स जो है 100 मार्क्स की है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होगा। देन टाइमिंग जो है इसकी 1 घंटा है। टाइमिंग कितना है? 1 घंटा है। 1 घंटे में हमें 50 क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व करने हैं। और जो पेपर क्वेश्चन पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मीन्स हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से हमें सेलेक्ट करके सही आंसर पर टिक लगाना है। और इस परीक्षा में हम ब्लू और ब्लैक पेन का ही यूज़ कर सकते हैं और कोई भी पेन का हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अयोध्या किस वंश की राजधानी थी? तो ऑप्शंस दिए गए हैं यदुवंश, चोलवंश, इक्ष्वाकुवंश या राजवंश। तो हमें सही आंसर हमें सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट टिक लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है, दुर्गयाना मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस है वैशाली, तक्षशिला, प्रयाग, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है नवदीप, जयंतिया, डीमापुर या हिडिम्बापुर। तो सही आंसर हमें सेलेक्ट करके यहाँ राइट आंसर पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाबलीपुरम किस प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, पांचाली सप्तम किस कवि की रचना है? तो ऑप्शंस है सुब्रह्मण्य भारती, तिरुवल्लुवर, महाकवि कंब या तोलक पियम्मम। तो सही आंसर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है और राइट टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेपा नगर अखबारी कागज का कारखाना किस प्रदेश में है? तो ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण कब हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000, 1 जनवरी 2000, 1 दिसंबर सन 2000 या 1 मार्च सन 2000। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस है अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, असम। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, चीनी युद्धकाल में शहीद हुए 4000 भारतीय सैनिकों का स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शंस है तवांग, दिशांग, मलिधान और सेलपारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिजोरम के कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शंस है 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किवुल ज्या त्याजाओ किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो ऑप्शंस है बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर और वैशाली। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, भगवान महावीर ने कितने वर्ष तक साधना की? तो ऑप्शंस है लगभग 11 वर्ष, लगभग 12 वर्ष, लगभग 13 वर्ष और लगभग 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, सिख पथ के किस गुरु को कहाड़ में डालकर मार डाला गया? तो ऑप्शंस है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्जन व्याली को इंग्लैंड में जाकर किसने मारा? तो ऑप्शंस है उधम सिंह, राम सिंह कूका, मदनलाल झींगरा या बंदा वैरागी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संत तुकाराम का जन्म कब हुआ? तो सन 1775 ईस्वी, सन 1665 ईस्वी, सन 1660 ईस्वी और सन 1666 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थ और काम की पूर्ति का मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शंस है अर्ध मार्नुकूल आचरण, स्वार्थ भाव, अर्थानुकूल आचरण और धर्मानुकूल आचरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की समस्त प्रांतीय भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शंस है उर्दू, अंग्रेजी, देव संस्कृति और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो ऑप्शंस है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और राजमोहन राय।
अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शंस है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गया। क्वेश्चन नंबर 21 है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शंस है सन 1925, सन 1919, 1928 और 1926। क्वेश्चन नंबर 12 है वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना किसने की? तो ऑप्शंस है बाला साहब देवरस, बाला साहब देशपांडे, रज्जू भैया, मौलीपंत पिंगले। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 है युग निर्माण योजना का आधार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र, शांति मंत्र और संगठन मंत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है यज्ञ में आहुति देने का साधन अर्पण को क्या माना गया है? तो ऑप्शन है दान, भोग, ब्रह्मा, त्याग। क्वेश्चन नंबर 25 है राम मोहन का अभिप्राय किससे है? तो ऑप्शन है राम मोहन, रामचंद्र, राजमोहन राय और रामकृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 26 है पांथ योग सूत्र किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ऑप्शन है महर्षि पंतजलि, महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि और चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 27 है किसकी रक्षा करने के लिए हम भोजन करते हैं? ऑप्शन है शरीर की, मन की, बुद्धि की, प्राणों की। क्वेश्चन नंबर 28 है सोते समय किस दिशा में पाव करके सोने चाहिए? तो ऑप्शन है उत्तर दिशा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 29 है अरस्तु किस देश का महान दार्शनिक था? तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान। क्वेश्चन नंबर 30 है संयुक्त राष्ट्र नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन है सरोजनी नायडू, भगिनी निवेदिता, सुषमा स्वराज, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 31 है विश्व में योग दिवस आरंभ करने वाले देश का क्या नाम है? तो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 32 है जावा में प्रसिद्ध प्राचीन विष्णु मंदिर का क्या नाम है? तो ऑप्शन है सूर्य मंदिर, बोरोबुदर मंदिर, छतरपुर मंदिर, विष्णु मंदिर। क्वेश्चन नंबर 33 है दुर्गा पूजा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन है बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं मकर संक्रांति का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो ऑप्शन है अयोध्या, पाकतंत्र संधि, गंगा सागर, द्वारिका। क्वेश्चन नंबर 35 है सिख धर्म के किस गुरु ने हरमंदिर, स्वर्ण मंदिर और अमृत सरोवर की स्थापना की? तो ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अंगद देव। क्वेश्चन नंबर 36 है गोदावरी नदी के तट पर कौन सा परम पुनीत तीर्थ स्थान है? तो ऑप्शन है प्रयाग, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 37 है मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया? तो ऑप्शन है तिरुमल नायकर, राजा कृष्णदेव राय, राजा चंद्रगुप्त, राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 38 है तृप्त गथा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन है गंगा, यमुना, सिंधु, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 39 है किस अस्त्र का प्रयोग कर श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया? तो ऑप्शन है ब्रह्मास्त्र, चंद्रास्त्र, ब्रह्माशस्त्र, इंद्राशस्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 40 है भगवान लोक में वेद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है देव, महादेव, पुरुषोत्तम, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 41 है रुक्ष रथ नाम से किसे पुकारा जाता है? तो ऑप्शन है द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, श्रीकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 42 है मुरा राक्षस का वध करने के कारण श्रीकृष्ण को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन है मोहन, मुगिरी, द्वारिकाधीश, वशीधर। क्वेश्चन नंबर 43 है मन की बुद्धि के लिए संत वाणी में कहाँ जाने के लिए कहा जाता है? कुसंगत, परदेश, ससंगत और मतिसंगत। क्वेश्चन नंबर 44 है संत वाणी के आधार पर नित नित जाने से किस चीज का ह्रास होता है? तो ऑप्शन है शरीर, बुद्धि, चित, मन। क्वेश्चन नंबर 45 है सतवाणी के अनुसार किस पाप किस तत्व से घट जाता है? तो ऑप्शन है सत्य, अमत्य, क्रोध, द्वेष। क्वेश्चन नंबर 46 है 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन से पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन या गर्भाधान। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं 16 संस्कारों में सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन से चूड़ाकर्म, गर्भाधान, विवाह, वानप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 48 है सप्तपदी और कन्यादान की क्रियाएं वैवाहिक संबंधों को क्या प्रदान करती है? तो ऑप्शन से घृणा, त्याग भावना, समन्वय और अमृत। क्वेश्चन नंबर 49 है ब्रह्मा जी ने सृष्टि की आयु कितनी मनवंतर निर्धारित की है? तो ऑप्शन से 14 मनवंतर, 13 मनवंतर, 12 मनवंतर या 15। क्वेश्चन नंबर 50 है चारों युगों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे ऑप्शन दिए गए हैं संवंत, कल्प,
मनवंतर या महायुग, तो ये कक्षा 10 का एक सैंपल पेपर है। तो अगर आप ये परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको जो पेपर आएगा उसमें आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के सैंपल पेपर लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। थैंक यू।